हे गाइस, वेलकम बैक टू वीर एक्सट्रीम एंड वेलकम टू अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत अच्छी गुड न्यूज है बाइक लवर्स के लिए और खासकर अपाची लवर्स के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि रिसेंटली ही टीवीएस ने एक न्यू बाइक लॉन्चिंग इवेंट का इनविटेशन भेजा है, जो कि कल 8 सितंबर 2022 को ही लॉन्च होने वाली है। तो कौन सी बाइक होगी ये कहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी कौन सी बाइक लॉन्च होगी, बट जिस तरह से पिछले कुछ टाइम पहले अपाची RTR 4V को टेस्टिंग के दौरान स्पाइट किया गया था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपाचे RTR 4V का अपडेट वर्जन ही हो सकता है। तो आज की वीडियो 164V के अपडेट वर्जन पर होने वाली है। अगर ये बाइक लॉन्च होती है तो किन किन चेंजेस के साथ आपको देखने को मिलेगी, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना, कर दो यार, बन के कम्प्लीट कर पा दो जल्दी से। एनीवे, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बाइक में होने वाले चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो बाइक लुक्स एंड डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगी। बाइक का लुक पहले की तरह सेम मिलेगा, बट इसके जो कलर स्कीम एंड ग्राफिक्स हैं वो आपको चेंज मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये बाइक न्यू कलर स्कीम एंड न्यू ग्राफिक्स के साथ आपको देखने को मिलेगी। और वैसे भी कलर स्कीम तो अपाचे की पहले से ही काफ़ी अच्छी है, रेसिंग रेड और रेसिंग ब्लू के साथ आती है। और जब बात ग्राफिक्स की आती है तो इसके ग्राफिक्स जो हैं कुछ हद तक इतने अग्रेसिव नहीं लगते हैं। हाँ, कुछ को पसंद भी आते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, बट यहाँ पर कंपनी अगर ग्राफिक्स को चेंज करती है तो बाइक को एक अग्रेसिव लुक यहाँ पर मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है इसके इंजन को लेकर। अब इस बाइक के इंजन को अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो करंट में अपाचे 164V है उसमें कहीं ना कहीं पंच की कमी है, और ऐसे में कंपनी इसके इंजन को फिर से ट्यूनिंग एंड ट्यूब करके प्रेजेंट कर सकती है, ताकि इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके। एंड इसका जो इंजन है वो अब आपको पहले से ज़्यादा स्मूथ और पावरफुल मिलेगा। या फिर हो सकता है इस बाइक के टॉप वेरिएंट में अपाचे 165 RP का इंजन शायद मिल जाए, जो कि लास्ट ईयर अपाचे 165 RP लिमिटेड एडिशन आया था, उसका इंजन शायद इसमें मिल जाए। बट ये अभी कन्फर्म नहीं है, तो इस बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि करंट में जो RTR 164V है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फास्ट है और कंपनी अब इसको और भी ज़्यादा फास्ट बनाने की तैयारी में है। एंड सेकंड अपडेट की बात करें तो वो इसके एग्जॉस्ट को लेकर है। इस बाइक में अब न्यू एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा देखने में डिफरेंट लग रहा है, और इसकी साउंड भी पहले से ज़्यादा काफ़ी चेंज मिलेगी। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में हो सकती है। अब इस बाइक में आपको न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल सकता है। अब इस बाइक में पहले से और भी ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल सकता है, क्योंकि इसकी जो मेन राइवल पल्सर N160 है वो डुअल चैनल ABS के साथ आती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं TVS भी इस वेरिएंट में डुअल चैनल ABS दे सकता है। एंड प्राइस की बात करें तो इस वेरिएंट का प्राइस पहले से करीब 5,000 या 6,000 रुपये ज़्यादा होगा, यानी कि ये बाइक 130 से 132 के एक्सरो प्राइस पर लॉन्च की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसका प्राइस बजाज की पल्सर N160 जो है उसके सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा, अगर ये बाइक लॉन्च होती है तो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।